हर चुनाव से पहले मीडिया में एग्जिट पोल निकाला जाता है, जिसके जरिए किस पार्टी की जीत हो सकती है इसके बारे में पता चल सकता है। जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल के नतीजे सही हों, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हर मीडिया चैनल यही कहता है कि उसने जो आंकड़े दिए वे सही हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले भी मीडिया ने एग्जिट पोल निकाला, जिसमें रिपब्लिक टीवी ने भाजपा को 143 सीट दी और टीएमसी को 133। इसी तरह बाकी मीडिया चैनलों ने भी भाजपा को 100 से ऊपर की सीट दी और टीएमसी को भी 100 से ऊपर ही सीट दी। किसी किसी ने तो भाजपा को टीएमसी से ज्यादा भी सीटें दी। लेकिन पूरी की पूरी खुशखबरी इसीलिए नहीं है क्योंकि तृणमूल अभी भी कांटे की टक्कर में सामने है। तृणमूल कांग्रेस, जिसे वहां पर अपनी तीसरी बार सरकार में लौटने की कोशिश करनी थी, 10 साल का शासन उनका हो चुका है। सामने भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले बार के 3 विधायकों के साथ मैदान में कूदी, लेकिन आज एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से 134 से 160 के दायरे में नजर आ रही है। खबर सुचारिता, ये जो सीएनएक्स के जो आंकड़े हैं, जी सीएनएक्स के जो आंकड़े हैं, ये एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो बेशक बीजेपी 200 प्लस ना पहुंच रही हो, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। जो भावेश ने 1 बजे तक के आंकड़े दिए हैं सुहेल ऐश्वर्या, ये नेक टू नेक फिगर्स हैं इस वक्त, क्योंकि 126 136 टीएमसी, 138 148 इसमें भी एज है बीजेपी को। जो भावेश ने नंबर दिए ऐश्वर्या, उसमें अभी भी एज है बीजेपी को, लेकिन नेक टू नेक है ये नंबर्स। ये ममता बनर्जी को पसंद नहीं आएगा और बीजेपी तो 200 की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नेक टू नेक कॉम्पिटिशन ये दिखाता है। पर बंगाल चुनाव के जो असल नतीजे सामने आए, उसमें टीएमसी को 213 सीट मिली और भाजपा को 77 सीटें मिली। मीडिया ने बंगाल में टीएमसी की जीत पर शायद कोई डिबेट नहीं की, लेकिन अगर टीएमसी की जगह भाजपा की जीत हुई होती तो शायद मीडिया का माहौल ही कुछ और होता। टीएमसी की जीत पर और भाजपा की हार को लेकर कुछ जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने द लाइव टीवी पर अपने शो में दी। देखिए, कई लोग ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ने बहुत मुश्किल से ये जीत हासिल की, क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। जीत उनकी मुश्किल नहीं थी, उन्हें जीतना ही था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा भौकाल बनाया था अपनी पालतू, अपनी गुलाम मीडिया के जरिए, जिसमें वो ये तक कह रहे थे कि ममता बनर्जी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगी। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, इनकी पालतू मीडिया क्या कर रही थी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी से, ये तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से जीत जाएगी, मगर मुद्दा ये नहीं है। क्या आप जानते हैं, आज सुबह से रिपब्लिक टीवी पर इस आदमी ने एक बार भी अपने दर्शन नहीं दिए, उल्टा ये देखिए अपने स्क्रीन पर, आज ये लोग कोरोना पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं भी बहुत मुश्किल से आज की तारीख में बंगाल पर अपनी राय दे रहा हूं, क्योंकि मेरी भी तमाम ऊर्जाएं, तमाम ध्यान देश की जनता जो कोरोना से मुकाबला कर रही है उस पर है। बंगाल चुनाव में भाजपा ने अपना पूरा जोर लगाया ममता बनर्जी को हराने के लिए। प्रधानमंत्री खुद चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए उतरे और रैली भी की जब कोरोना तेजी से देश में फैलने लगा। इसके अलावा मोदी जी ममता बनर्जी पर टिप्पणी भी करते नजर आए। दीदी, ओ दीदी। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर, आपने बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। इस चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को चोट भी लगी, जिसको लेकर कई भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी को काफी बुरा भला कहा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा था, ममता बनर्जी को बरमुड्डा पहन लेना चाहिए, साड़ी में उनकी चोट नहीं दिखती तो। प्लास्टर काटा है गला, क्रेप बैंडेज बांधा है गाछे, हर बार तुले तुले सबाई के देखाछे, साड़ी पहने आछे ना, एकटा पा ढाका एकटा खोला, एरकम साड़ी पहनते देखी नी। अमित शाह ने भी चुनावी रैली में ममता बनर्जी की चोट को लेकर टिप्पणी की और ममता बनर्जी की कई बार आलोचना भी की। घर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई, अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है,
तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है, मगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? वो कहती है बंगाल इसके एसपी और आईजी को फिट कर देना है, फिट। दीदी कब तक ये फिट करने की राजनीति करोगी? बंगाल की जनता ने आपको ही फिट कर दिया है। आप सरस्वती पूजा भी नहीं कर सकते क्योंकि दीदी की वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मैं आप बताता हूं, मेरे और आपके जैसे लोग बंगाल में सेकंड ग्रेड सिटीजन इन आते रहते हैं। हम दो राज्य के नागरिक है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि हम दीदी के वोट बैंक नहीं है। 2 मई को आपकी राय निश्चित है, अब आप रोक नहीं सकती। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इसके अलावा भाजपा की ओर से एक धार्मिक नैरेटिव भी चलाया गया जिसमें जय श्री राम जैसे नारों का कई बार इस्तेमाल हुआ। एक प्रोग्राम में ममता बनर्जी जब स्टेज पे बोलने आई तो भीड़ में मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला। बेरोजगारी के मुद्दे पर भले ही एक बार डिबेट हो, पर बंगाल के मुद्दे पर काफी डिबेट देखने को मिली मीडिया में, जिसमें सवाल भाजपा के नेताओं से कम और टीएमसी के नेताओं से ज्यादा होते दिखाई दिए। सर्टिफिकेट मत दीजिए मेरे पत्रकारों को, मेरे मित्रों को। मैं दीदी के बारे में जानना चाह रही हूँ, आप दीदी के बारे में बताइए। आप यहाँ पर, आपको मैंने थर्ड एम्पायर के तौर पर नहीं बुलाया है भाई साहब, बहुत क्लियर हूँ मैं। आप मुझे ये बताइए, आरोप लगा रहे हैं, आरोप का जवाब क्या है? रणबीर क्या कह रहे हैं, मनु क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बैठकर मुझे आपका सर्टिफिकेट मनुजीत दादा नहीं लेना है, सिंपल। आपको सर्टिफिकेट मैंने देने के लिए, हम मुझे नहीं चाहिए ना आपका वो सस्ता सुंदर सर्टिफिकेट है, वो पीछे आपके लगा दीजिए फ्रेम में, मुझे मत दीजिए और मेरे पत्रकारों को और मेरे रिपोर्टर्स को मत दीजिए। थैंक यू। नाउ टॉक अबाउट ममता बनर्जी। आप तो कह रहे हैं कि ममता भी तनाव है, हम कितने शांति से बात कर रहे हैं। आप उचित मत कहिए, आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं ना। मैं कुछ भी करूं, आप मुझे ना बताएं, मेरे इमोशंस पर आप काबू ना करें। मेरे इमोशंस पर काबू आपका नहीं है, कोई हक नहीं है आपका। आई डोंट गिव यू एनी राइट्स। खैर, अब ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी हैं और भाजपा इस चुनाव में काफी पीछे रह गई है। अब सरकार चुनावी माहौल से फिलहाल बाहर आ गई है, तो सरकार को अब कोरोना महामारी पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.